हेलो, चाहो सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। आयोग का सभी अच्छे होंगे और एग्जाम की तैयारी भी आप लोगों की काफी अच्छे से चल रही होगी। तो बात करें देखो इतिहास की, इससे पहले अभी तक आप लोगों की जो वीडियो आ चुकी है, पहले नंबर पर आपकी एक अति लघु, हमने आपको जो निश्चित उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी है। इसके बाद फिर आपकी जो वीडियो आई है वो आई है लघु उत्तरीय प्रश्न की, ठीक है। तो और उसके बाद तीसरे नंबर पर जो आपकी वीडियो आई है वो आई है एमसीक्यू यानी वैकल्पिक प्रश्न की, और ये जो वीडियो है ये आपके चौथे नंबर की वीडियो है जिसमें हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न डिस्कस करने वाले हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न में मैंने आपको बताया था कि लघु और दीर्घ दोनों एक साथ कंबाइन एक पीडीएफ में, तो हमने आधे जो क्वेश्चन थे वो हमने इससे पहले जो आपकी वीडियो आई थी लघु उसमें देख लिए। तो ये जो इसका टॉपिक है उसका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बट इसमें लघु और दीर्घ दोनों कंबाइन है, ठीक है। तो ये आप बोल सकते हैं कि सेकंड पार्ट आप इसको समझ सकते हैं लघु या दीर्घ का। तो मेन है आपको क्वेश्चन से आ, आ, रहना चाहिए, ठीक है, क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए। बाकी तो देखो टॉपिक कुछ भी हो सकता है। तो बात करें देखो इसमें बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए थे वो सारे हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद एक वीडियो और आपकी आएगी मैप की, ठीक है, वो भी बहुत जल्दी आ जाएगी, तो चैनल के साथ जरूर जुड़ रही है। तो बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं इनको देख लेते हैं, और जिन बच्चों ने पहले की वीडियो नहीं देखी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर या फिर वीडियो को लास्ट में देखने को मिल जाएगा। तो अब जो बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं पीडीएफ कैसे ले सकते हैं उसके लिए सिंपली देखो प्रोसेस है, अदरवाइज जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं वीडियो स्किप करके आगे क्वेश्चंस पर जा सकते हैं। पीडीएफ लेने के लिए सिंपली आपने गूगल में चले जाना है, सर्च कर लेना है कंपोजर, कंपोजर सर्च करते ही आपको फर्स्ट नंबर पर वेबसाइट लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही थोड़ा सा जैसे आप वेबसाइट पर आएंगे नीचे आ जाना है, उसके बाद टॉप 30 क्वेश्चन ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर क्लास सेलेक्ट करनी है 12th। नेक्स्ट जो आपके सामने पेज ओपन होगा वहां पर आपने सिलेक्ट कर लेना है हिस्ट्री या फिर इतिहास, दोनों में से आप किसी पर भी क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। तो हिंदी वाले हिंदी और इंग्लिश वाले इंग्लिश वाले पर क्लिक कर लेंगे आप, इनमें से किसी पर भी क्लिक करते हैं नेक्स्ट पेज आपके सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। इनमें से आपको जो जो पीडीएफ चाहिए आप ऐड टू कार्ट कर लेंगे। ऐड टू कार्ट करने के बाद सिंपली आप देखेंगे यहाँ पर इनकी जो टोटल कॉस्ट बैठेगी वो 100 रुपए के आसपास है, बट आपने जब कूपन कोड अप्लाई करेंगे कंपोसर30 आपको 30% का डिस्काउंट यानी जो पीडीएफ 100 की है वो आपको मात्र 17 रुपए में देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और प्रोसीड टू चेकआउट कर देना, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपने अपने डिटेल्स फिल करनी है और लास्ट आपको यहाँ पर टिक करके प्लेस ऑर्डर कर देना है, और जैसे ही आप पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी आपकी आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। अब जो बच्चे पूरी प्रोसेस नहीं करना चाहते सिंपली आप हमको इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए, और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप बताइए कि आपको किस सब्जेक्ट की कौन सी पीडीएफ चाहिए, हम आपको एक क्यूआर कोड सेंड कर देंगे, उस पर आप पेमेंट करके डायरेक्ट पीडीएफ आप अपने व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। तो वापस लेके चलता हूँ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर, आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे कैसे पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। तो पहला जो इसमें क्वेश्चन है, महानवमी डिब्बा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो इसको आपने देख लेना, आंसर भी आपको साथ में देते चल रहा हूँ। और नेक्स्ट अगला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है हम्पी की खोज कैसे हुई संक्षेप में लिखिए, उसका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहने वाला है विजयनगर की जल आवश्यकताओं को किस प्रकार पूरा किया जाता था, नेक्स्ट आपका विजयनगर साम्राज्य की अमर नायक प्रणाली की व्याख्या कीजिए। उसका अगला प्रश्न है महानवमी डिब्बा से संबंध विभिन्न अनुष्ठानों का उल्लेख कीजिए, इनका क्या महत्व था, और ये पूरा डिटेल में आंसर है। अगला है गोपुरम से आप क्या समझते हैं, तो ये आपने यहाँ पर पूरा पढ़ लेना है। अगला है स्थापत्य की कौन कौन सी परंपराओं ने विजयनगर के वास्तुविदों को प्रेरित किया, उन्होंने इन परंपराओं में किस प्रकार बदलाव किए। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कृषि उत्पादन में महिलाओं की भूमिका का वर्णन कीजिए, प्रश्न आपका देखो 2010, 14, 16, 19 में पूछा गया है, पूरा डिटेल में आंसर। अगला है 16वीं और 17वीं सदी में जंगल वासियों के जीवन में किस प्रकार का परिवर्तन आ गया, वर्णन कीजिए, तो यहाँ पे आपने पढ़ लेना है। और उसका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मुगल कालीन भारत में जमींदारों की भूमिका की समीक्षा कीजिए, और ये पूरा लॉन्ग में आपको देखने को मिलेगा, तो इसको पढ़ लेना आपने। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुगल कालीन भारत में ग्राम पंचायतों की कार्य प्रणाली पर प्रकाश डालिए, जाति पंचायतों की भूमिका का भी उल्लेख कीजिए। उसका नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन आने वाला उस पर लेकर चलता हूँ, और जो बच्चे पीडीएफ परचेस कर रहे हैं कोई इश्यू कोई प्रॉब्लम आती है आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर हमको व्हाट्सएप पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगला है ग्रामीण बंगाल में जोतदारों के उत्कर्ष का वर्णन कीजिए, नेक्स्ट है ग्रामीण बंगाल में जोतदारों ने जमींदारों के प्रभुत्व का किस प्रकार प्रतिरोध किया, वर्णन कीजिए। उसका अगला प्रश्न अमेरिकी गृह युद्ध ने भारत में रैयत समुदाय के जीवन को कैसे प्रभावित किया, और ये पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर आंसर देखने को मिला है, इसको आपने पूरा डिटेल में पढ़ लेना है। उसका नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन रहने वाला है ऋणदाताओं के विरुद्ध दक्कन के रैतों के क्रोध के कारणों की व्याख्या कीजिए, नेक्स्ट है रैयतवाड़ी बंदोबस्त से आप क्या समझते हैं। अगला प्रश्न है बंगाल के स्थायी भूमि प्रबंध की मुख्य विशेषताएं क्या थी, इसको आपने देख लेना है। फिर है पहाड़ियां लोगों की आजीविका संथालों की आजीविका से किस रूप में भिन्न थी,
हमने पूरा पढ़ लेना है। उसके बाद अगला प्रश्न है, इस्तमरारी बंदोबस्त के बाद बहुत सी जमींदारियां क्यों नीलाम कर दी गई, तो इसको हमने पढ़ना है। नेक्स्ट जो आपके सामने क्वेश्चन रहेगा वो है, सहायक संधि व्यवस्था क्या थी, इस व्यवस्था के द्वारा अवध का अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कैसे किया गया। प्रश्न तो आप देख सकते हैं 10, 13, 17, 22 में पूछा जा चुका है। अगला है, अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति का दमन करने के लिए क्या कदम उठाए, तो यहाँ पे आपने पूरा डिटेल में पढ़ लेना है। नेक्स्ट है, 1857 की क्रांति में मौलवी अहमदुल्ला शाह की क्या भूमिका थी, ये आपने पढ़ना है। नेक्स्ट आपका, 1857 की क्रांति के राजनीतिक और आर्थिक कारणों की चर्चा कीजिए, उसको आप चाहे तो पूरा पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेकर के आप इनको पढ़ सकते हैं जो बच्चे पीडीएफ परचेस नहीं कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखो आर्थिक कारण दे रखा है, उसके बाद फिर पॉइंट वाइज बना करके दिए गए सारे क्वेश्चन। और उसके बाद अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है उसको हम देख लेते हैं, 1857 की क्रांति विशेषतः अवध में इतनी व्यापक क्यों थी, किसानों तालुकदारों तथा जमींदारों को क्रांति में सम्मिलित होने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिली, ये आपने देखना है। उसका पूरा डिटेल में आपको लॉन्ग में लिख लेना है इस आंसर को। उसका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के धार्मिक कारणों की चर्चा कीजिए, एक ये क्वेश्चन हो गया। उसका नेक्स्ट जो आपका रहेगा, 1857 की क्रांति के स्वरूप का विवेचन कीजिए। और उसके बाद नेक्स्ट आपका रहने वाला क्वेश्चन, साइमन कमीशन कमीशन के विषय में आप क्या जानते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका, खिलाफत आंदोलन क्या था, फिर चरखे को राष्ट्रवाद का प्रतीक क्यों चुना गया। उसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के दांडी कूच का संक्षिप्त विवरण दीजिए और राष्ट्रीय आंदोलन में इस घटना के महत्व का मूल्यांकन कीजिए, और लॉन्ग में आपको ये लिखना है। उसके बाद है, महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन के स्वरूप को किस तरह बदल डाला। उसके बाद है, महात्मा गांधी द्वारा संचालित असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि तथा कार्यक्रम का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ये आपने इसमें पूरा पढ़ लेना है। और इसमें आपके देखो शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप के क्वेश्चन आंसर है, तो ये आपका पार्ट नंबर सेकंड है। इससे पहले हमने लघु आपको दे दिया है, उसके बाद फिर आपका ये दीर्घ में हमने इसको ऐड कर दिया है। पहला है, असहयोग आंदोलन एक प्रकार का प्रतिरोध कैसे बना। अगला है, उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्शों पर जोर दिया गया था, उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट है, वे कौन सी ऐतिहासिक ताकतें थी जिन्होंने संविधान का स्वरूप तय किया। उसका अगला है, संविधान सभा के निर्माण और कार्य प्रणाली की चर्चा कीजिए, तो यहाँ पर आपको पूरा डिटेल में आंसर दिया गया है। इसको आप एक बार चाहे तो जो बच्चे पीडीएफ नहीं ले रहे हैं उनके लिए है कि आराम से इसको पढ़ पाए। उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहने वाला है उसको लेके चलता हूँ, ये उसी का आंसर है, लॉन्ग में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं बच्चों स्क्रीन पर वो है, संविधान सभा ने भाषा के विवाद को हल करने के लिए क्या रास्ता निकाला, ये आपने पढ़ना है। और इसी के साथ बच्चों जो आपके लघु या फिर आप बोल सकते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न थे वो हो चुके हैं कंप्लीट। तो टोटल दो पार्ट में आपकी ये वीडियो आई है, पहला पार्ट हमने टॉपिक दिया था लघु और इस टॉपिक को नाम दे रहे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो बाकी जो बच्चे इनको अर्ली एक्सेस करना चाहते हैं आप पीडीएफ परचेस कर सकते हैं, अदरवाइज आप स्क्रीन शॉट लेकर भी इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। बाकी कोई क्वेश्चन आपके मन में हो, कोई डाउट हो, तो आप वो हमको व्हाट्सएप या फिर कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। तो इसके बाद आपकी एक वीडियो बचती है जो है मैप की, मैप की वीडियो भी आप लोगों की बहुत जल्दी आ जाएगी। और सभी को शुभकामनाएं, अच्छे से तैयारी करते रहिए और सारे क्वेश्चंस को आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, सारे क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करके आने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मैप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।